निखिल कैफे में आप सभी साहित्यकारों का स्वागत अभिनंदन और आप सभी को इस आजादी के पर्व की स्वतंत्रता दिवस की जो 78वां साल है उसकी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। बीत गए हैं साल 78, आजादी को मिले हुए बीत गए हैं साल 78, आजादी को मिले हुए पर अभी भी कुछ जयचंदी रहे देश को छले हुए। समर शेष है युद्ध शेष है, समर शेष है युद्ध शेष है, आजादी को पाने को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़े मिटवाने को। तोड़ सभी जंजीरों को अब आगे बढ़ते जाना है, तोड़ सभी जंजीरों को अब आगे बढ़ते जाना है, सीमा पर जो डटे हुए हौसला उनका बढ़ाना है, हौसला उनका बढ़ाना है। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ स्वाधीनता दिवस की। और इस अवसर पर ये साहित्यिक काव्य गोष्ठी है, सभी मनीषियों का, कवियों का, और हमारे कुछ दो दर्शक भी हैं हमारे साथ में, दो दर्शक नहीं हैं और भी दर्शक हैं, चार पांच दर्शक हैं। मैं सभी का उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि अगर श्रोता नहीं है तो कवि की कल्पना को और ऊंची उड़ान कौन देगा, श्रोता ही होते हैं वो उसको और ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो इस काव्य गोष्ठी पर मैं निखिल प्रकाशन का समूह का बहुत 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 आभार व्यक्त करते हुए, आभार बाद में भी व्यक्त करेंगे लेकिन बहुत आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि ये इतना सुंदर सा, अभी इससे पहले की गोष्ठी में भी मैं उपस्थित थी, इतना सुंदर था साहित्यिक माहौल देखने जब मिलता है, जब आपको माहौल मिलता है तो लिखने की प्रेरणा कुछ और ही होती है, एक वो प्रेरणादायक बन जाता है। तो इस साहित्यिक गोष्ठी की मैं अध्यक्षता के लिए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी हमारे आदरणीय राजेंद्र मिलन जी, जो हमारे मध्य विराजमान हैं, जो हिंदी साहित्य के पुरोधा, राजेंद्र मिलन जी को अध्यक्षता के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ। और इसके साथ ही इस काव्य गोष्ठी का तो ये जो काव्य गोष्ठी है उसमें आप सभी का स्वागत तो है ही, लेकिन इसमें एक हमारे ये माधुर्य के बैनर तले निखिल प्रकाशन के कैफे में जो ये गोष्ठी हो रही है उसमें आप सभी का स्वागत और सम्मान करते हैं। और मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए ही मैं निवेदन करना चाहूँगी राजकुमार जी से, वो आए और हमारे मिलन जी को सम्मान करें। और इसी संदर्भ में हमारे बीच में इस माधुर्य संस्था की जो संस्थापक हैं अध्यक्ष निशिराज जी, मैं निशिराज जैन जी के सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगी। बेटी इशिका से निवेदन करूंगी कि वो स्वागत करें। इशिका की मम्मी से ही करा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद चलिए
हमारी आगरा की जानी मानी कवित्री लोकगीत बहुत अच्छा लिखती हैं, उसके साथ ही राष्ट्रीय गीत भी सभी कुछ सभी विधाओं में लिखती हैं। मैं रमा वर्मा जी के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहूंगी सुधा जी से। माधुरी की सचिव सुधा जी स्वागत कर रही हैं रमा वर्मा जी का। अगर हम कवियों की गोष्ठी तो है, लेकिन अगर हम होस्ट का स्वागत ना करें तो ये थोड़ी दर्शकता होगी। तो मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय मैम, आपके स्वागत के लिए मैं निशिराज जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो आपका स्वागत करें। जो सबका स्वागत कर रहे हैं उनका स्वागत करना भी बहुत ही आवश्यक है। हमारे बीच में बहुत अच्छे गजलकार आदरणीय शिवराज यादव जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी आर के गुप्ता जी से, वो उनका स्वागत। आइए आइए आइए, वो बंद हो गया देख लो। आइए सर आइए एक बार। शशि जी ठीक, और हमारे मध्य में विराजमान हैं हमारे मध्य में मौजूद हैं आदरणीय रामेंद्र शर्मा जी, और मैं निवेदन करूंगा निखिल जी से, निखिल आप आए और रामेंद्र शर्मा जी का स्वागत करें। सचिव हमारी इस माधुरी की सचिव सुधा वर्मा जी को मैं यहाँ निवेदन करती हूँ वो आए, और इसके इशिका से निवेदन करूंगी कि सुधा वर्मा जी का स्वागत है। इधर आओ सुधा, सुधा इस साइड में आओ। आज हमारे मध्य में विराजमान हैं शरद जी, शरद जी के स्वागत के लिए निखिल भैया आप ही आ जाओ, आप करो सबका स्वागत। ऑफिशियली होस्ट भी आप हो तो दैट विल बी बेटर। और हमारे बीच में विराजमान है हमारे नवोदित तो नहीं कह सकती लेकिन बहुत अच्छा बड़ी पहनी धार के साथ में लग रहे हैं विनय बंसल जी, उनके स्वागत के लिए निखिल जी। निखिल जी विनय जी की कलम तो बड़ी कर रही है, बहुत बड़ी तेजी से चल रही है, बड़ी तेज धार हो रही है, सब कुछ शामिल है। अभी हमारे मध्य में
हमारी सबसे छोटी कवित्री। और छोटे ऐसा नहीं है, छोटी कवित्री का मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल। हाँ, मतलब उम्र में छोटी। सॉरी सॉरी बेटा, ये भी छोटी है, कोई दिक्कत छोटी है, हम सबसे तो बहुत छोटी है, हम सबसे बहुत छोटी है। ऋषिका बेटा आप आइए, छोटे में जो आनंद है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। समारा का बढ़िया वाला परिचय हो गया, एक बार डबल होगा। अब मैं बुलाती हूँ छोटा पैकेट बड़े धमाल को, समारा को। समारा मुझे कुछ पता भी नहीं था, मैं बताती हूँ। समारा का परिचय मैं आपको देती हूँ। अ वेरी वार्म वेलकम टू समारा। आप बहुत जोर से तालियों क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट रही है और मुझे इसके सुनर का नहीं पता था कि ये कवित्री भी है। और यहाँ से मुझे पता चला भाभी जी से, उन्होंने ईशिका ने बताया कि छोटी सी 12 साल की कवित्री और शामिल होना चाहती है आपके इस काव्य गोष्ठी में। मैं इनका बहुत स्वागत है, लेकिन अभी मुझे आकर पता चला कि वो मेरी स्टूडेंट रही है एंड आई टॉट संस्कृत तुम्हार, और बहुत अच्छा लगा मुझे। गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी सुनेंगे तुम्हारी कविता। ईशिका आप आए प्लीज। हमारे बीच में हमारी छोटी कवित्री समारा के पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं उनको निवेदन करती हूँ वो आए और उनके स्वागत के लिए ईशिका और निखिल आप दोनों जने उनका स्वागत करिए। ये भर के आएगा पूरा फोटो, बहुत सुंदर। वाह बहुत बढ़िया। और हमारे बीच भी क्या, राजेन जी को बुलाइए, पंडित साहब को बुलाइए, पंडित साहब है राजेन जी। मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ, तो मेरे यहाँ बैठे हुए हैं। पंडित जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं निवेदन करूंगी राजकुमार जी से आए, उनका स्वागत करें। एक तो है ना, स्वागत है सर आपकी। आपकी उपस्थिति रहती है, हम तो भाई कायल हैं इनके, अरोड़ा साहब से आज। और अब जो सबका संचालन कर रहे हैं हमारे, मेरा छोटा भाई राजकुमार, पहले राजकुमार आ जाओ। मैं अपने शरीर के हाथ राजेंद्र कुमार जी से निवेदन करती हूँ वो आए और इनके स्वागत के लिए। निखिल आप स्वागत सर जी, आप भी आ जाओ स्वागत में। ये क्या बात है, ये मुस्कुराहट तो अब पहले आपका होगा। इसके बाद नहीं, निशी राजकुमार जैन इनके लिए। आप अरे मैं तो बाद में वाला हूँ, आ जाओ पहले तो। अरे आ जाइए भाई। निखिल राजकुमार, थैंक यू। और अब बारी है मेरे स्वागत की। अब देखते हैं कौन करेगा। आपसे आपके साइड मैं चाहूंगा जी, आ जाइए आप और हम दोनों। निखिल बुक्स कैफे की, हाँ बिल्कुल। ईशिका, ईशिका का भी स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल पहले ईशिका का करिए। ईशिका आप पहले, निशी तुम कर दो पहले। ईशिका आप, ईशिका का स्वागत करेंगे। हमारी बहादुरी की अध्यक्ष निशिराज जी स्वागत कर रही हैं ईशिका का। चलिए अब मेरी बारी आ गई और जिसका मर्जी हो वो स्वागत कर दो। मिलन जी आप, मैं तो बिल्कुल स्वागत मेरा पहले ही हो गया। मिलन जी बोलेंगे और मिलन जी आप, मिलन जी करेंगे आपका स्वागत। आप आइए बीच में। आज के हमारे अध्यक्ष जी
शशिदी बहुत अच्छा संचालन करती हैं और अधिकतर जब मैं कार्यभार से मुक्त होना चाहती हूँ तो मैं अपना भार शशिदी के कंधों पर डाल देती हूँ कि आप संचालन कीजिए। और आज भी कार्यभार से मुक्त होने के लिए बहुत थकी हुई थी, मैंने कहा आज भी संचालन का कार्यभार शशिदी संभालेगी। जोरदार तालियां हैं शशिदी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया निशिरा जी, आपने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है और आप अचानक ही कह देती है कि आज तो आप करिए, मुझे पता ही नहीं होता कुछ। एनीवे कोई बात नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। तो आइए इस महफिल सज चुकी है, इसका शुभारंभ करती हैं। ये जो दोस्तों की सजी महफिल, ये जो दोस्तों की सजी महफिल, दिल की उमदा जुबा बनी महफिल, हमने सजदा किया तो वो बोले आज ये गुल बदन बनी महफिल। इसी महफिल में अब मैं सरस्वती वंदना, जो कि हमारी आराध्या है, हमेशा एक जो कभी जब भी अपनी कलम उठाता है पहले माँ को प्रणाम करता है, उनका आशीर्वाद लेता है, तो उनके आशीर्वाद के लिए मैं माधुरी की अध्यक्ष निशिरा जी से निवेदन करूंगी कि वो सरस्वती वंदना का पाठ करें। और उससे पहले दीप जला के हम लोग वैसे ही प्रणाम कर लेते हैं, माला है ऑलरेडी, दीप जला हो चुका है, क्योंकि ये बैठक चल ही रही है, बस चेहरे दूसरे हैं, तो पुष्प अर्पित कर सकते हैं माँ के चरणों में, पुष्प अर्पित कर सकते हैं। ये कल का फोटो हो जाएगा, एक मिनट, एक सेकंड के लिए आइए, एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाए, आ जाओ बेटा, आप बहुत बड़ा हो जाओ, कैमरा बहुत बड़ा है मेरे पास, मिलन जी दबाव में पीछे हो जाओ, सब मेरी तरफ देख लेना बस, बहुत सुंदर, क्या बात है। माँ के चरणों में ये स्वरचित वंदना में प्रस्तुत कर रही हूँ। हे हंस वाहिनी he
बहुत सुंदर माँ वाणी की वंदना, स्वर में जितनी मिठास थी उतनी शब्दों में गहराई। तो मैं इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आधारित है। हम सभी आज तिरंगे को ओढ़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले इस क्रम में अपने छोटे पैकेट को ही बुलाना चाहूँगी। तो लंदन घूमे, यूएस घूमे, घूमे हम जापान, लंदन घूमे, यूएस घूमे, घूमे हम जापान, कोई देश मिलाना ऐसा जैसा हिंदुस्तान। वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश हमारा, वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश हमारा। तो मैं बुलाती हूँ, मैं बुलाती हूँ समाया को, एक प्यारी सी बेटी। देखिए इसकी कलम किस तरह से चली है, अभी से ये इसकी कलम चल रही है, बड़े होके क्या होगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में समाया को बुलाती हूँ मंच पर। आइए जय हिंद एवरीबॉडी, आई एम समायरा विजय गुप्ता। It's been 78 years since we broke away from the shackles of the British. It's been a pretty long time. All of this wouldn't have been possible without our martyrs, our freedom fighters. There is one such martyr that I would like to honor today by reciting a poem that I have written myself on him. A legend who smiled when a person would sulk. One who gave it all away at the age of 23, the bravest revolutionary. How could someone fear nothing, even ordeals that bring great pain? How is it so easy for someone to be composed on seeing a gun? The one person who couldn't bear on seeing his motherland dripping with blood. One who couldn't see the citizens' eyes bloodshot with fear. One who entered the ring aware of the threats, Bhagat Singh. Let's salute to him. One who was inspired by anarchism to bring a change to his nation. Who gave away his soul to the nation. Let us remember that revolutionary who gave away his life to see his land and people free. From absolutely nothing we need to fear when we have people who smile knowing death is near. In addition to this, I would like to tell you what I want to convey through this poem. Around 8 months ago, we had a performance at school and it was on the fearless fighter and martyr Sardar Bhagat Singh. Although I was rendered an anchor, I still felt everything. Now, what do I even mean by that? We had 9 scenes and we used to sit and watch the rehearsal. While watching the rehearsal, I always felt that how could a person even be this strong? At the tender age of 12, which is my age, while speaking this, he saw the Jallianwala Bagh massacre. A gut-wrenching dystopian scene was present before his eyes. A child seeing that was bound to be horrified. Seeing the bodies dripping with blood, wasn't it enough to fill his heart with rage? He grew up to be a person who would be cherished forever, even after 93 years of his death. He knew his ideology and was clear of his goal. Can you imagine how brave he was? Every day for 15 days, we were observing the strength he owned. I salute to this hero who is the representation of fearlessness, strength, and above everything, patriotism. And with this, I conclude my speech. And I'm happy that my content has outweighed my nervousness. Jai Hind and Jai Bharat. बहुत सुंदर समाया, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो आज हम चलिए यहीं से फिर, क्योंकि
शहीद भगत सिंह से जो बात शुरू हुई है उनको और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं कि नमन मेरा उस प्रहरी को जो धीर वीर गंभीर निडर, नमन मेरा उस शहीद को कतरा कतरा जिसका हो गया अमर, नमन बसंती चोले को जो निर्मल गंगा की जो धारा है, वतन वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश हमारा, वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश हमारा। और इसके साथ ही मैं इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शरद भैया को यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आए और आप देखिए कितने व्यस्त हैं वो, ये उनकी छठवीं गोष्ठी है, छठवां कार्यक्रम है। इस परिवार को साधुवाद नमन कितना किया जाए उतना ही कम है। ये ऐसे वीर क्रांतिकारी करुणेश जी के सुपुत्र हैं कि उनके इनकी रगों में वही रक्त बह रहा है कि आज सारा दिन हमारे आज़ादी के दिवस को मनाने में। तो मेरा अपने भाई से निवेदन कि वो आए मंच पर और अपना काव्य पाठ करें। शरद गुप्ता साधन नमन। आदरणीय मिलन जी, अध्यक्ष जी, अच्छा छोटा वाला हूँ, छोटे के संग छोटे थोड़ा यंगेस्ट परिवार में छोटा हूँ, सात भाई बहनों में सही छोटा, तो मैं यंगेस्ट मानता हूँ, मैं आपको छोटा ही रहना नहीं रहना भी है, छोटा ही रहने के मैं आपका हमेशा सपोर्ट चाहिए, इसलिए आप हमसे हमें छोटा। और उसी रूप में एक छोटी सी बाल कविता लिखी है, बहुत अच्छा है। तिरंगी परी ड्रेस पे नन्नू, सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सुनाते हुए मम्मी ने नन्नू को जगाया प्यार करते खूब सारा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सुनाते हुए मम्मी ने नन्नू को जगाया प्यार करते खूब सारा। तिरंगी परी ड्रेस में तैयार हो नन्नू चली स्कूल की ओर, तिरंगा झंडा लिए हाथ में जय हिंद का मचा रही शोर। 15 अगस्त की धूम में नन्नू एकदम अटेंशन खड़ी हुई, लेकिन कुछ बच्चों की निगाह लड्डुओं पर जड़ी हुई। क्या है तिरंगा, क्या है प्यारा तिरंगा झंडा, क्या है ये त्योहार मन रहा, क्यों मिठाई केले बट रहे, क्यों राष्ट्रीय गीत बज रहा। प्रश्नों की एक लंबी सी जिज्ञासा से भरी एक लड़ी, एक हाथ में झंडा ऊंचा किए नन्नू सोच रही चुपचाप खड़ी। लेफ्ट राइट करके नन्हे मुन्नों की परेड निकली, सलूट करती तिरंगे को नन्नू लग रही प्यारी तिरंगी तितली। परेड बाद प्रिंसिपल मैम ने जय हिंद बोल माइक संभाला, समझाया बच्चों को ध्यान से क्या कब कैसे जवाब सुझाया। गांधी सुभाष मौलाना तिलक थे वीर भगत शेखर अशफाकुल्ला, हिंदू मुस्लिम एकता के ठोकर से भागे अंग्रेज खूब चिल्ला चिल्ला। मैडम जी ने राष्ट्र सम्मान के सही तौर तरीके बच्चों को समझाए, समझा पेट बाप प्रिंसिपल मैम ने जय हिंद बोल माइक संभाला, समझाया बच्चों को ध्यान से क्या कब कैसे बना सुझाया। नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ, बोल मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्नू ने बड़े लाउड स्पीकर से ये गीत सुना, समझा बड़े गौर से, नन्नी मुन्नी की नन्नी बुद्धि को समझ आया शायद पूरे जोर से। लिए हाथ में छोटा तिरंगा फ्लैग नन्नू लौट आई स्कूल से घर पर, एक बड़ा सा प्यारा तिरंगा झंडा मम्मी पापा ने लगाया छत पर। चन्नू नन्नू नन्नी चन्नी, पापा मम्मी ने वंदे मातरम का लगाया जयकारा, भूख लगी है जोर से कह बच्चे लड्डू डिब्बा चटकर करे सारा। वंदे मातरम एक छोटी सी कविता और है। पहले बेखुद आजाद हुए इसका शीर्षक है, गांधी नेहरू सुभाष पटेल भगत जहन में रखने ही होंगे, गांधी नेहरू सुभाष पटेल भगत जहन में रखने ही होंगे अपने, विवेकानंद टैगोर सावरकर पढ़े तभी उनके पूरे होंगे सपने, चंद्रशेखर हो या उधम सिंह आजाद वे ही कहला सदा कहलाए, आजाद हो गए पहले लिखा जाते आजाद लिखते थे, चंद्रशेखर हो या उधम सिंह आजाद ही वे सदा कहलाए, दरिंदों से मुल्क मुक्त करने अंग्रेजों को खूब खूब खून चलाए, आजाद किया मैंने बाद में पहले वे खुद आजाद हुए, पहले वो खुद आजाद हुए थे परिवार से तब उन्हें आजाद की थी, आजाद किया हमें बाद में पहले वो खुद आजाद हुए, वे नौछावर हुए देश पर न कभी खुद आबाद हुए, खुद आबाद कभी नहीं हुए दूसरों को आबाद किया उन्होंने, प्यारे देश को स्वतंत्र करने आए बनकर वे हमारे फरिश्ता,
तय कर आए थे ऊपर से ही वे फांसी फंदे से अपना रिश्ता। गुलिस्तान आजाद भारत का खूब मन में सजोया था, खुद होकर शहीद देश पर बीज स्वतंत्रता का बोया था। सूली बलिवेदी पर चढ़ गए वे, छोड़कर परिवार अपना, रहे हम पूरी तरह स्वतंत्र, उनका था बस एक ही सपना। तन से तो आजाद हुए सभी, मन से अभी भी हैं परतंत्र, कर्तव्य को रखें सर्वोपरि, तब अधिकार होंगे स्वतंत्र। पड़ोसी देश अपनी आजादी कई बार खोते रहते हैं, पर हम भारतीय मजबूती से प्रेम के बीज बोते रहते हैं। बांग्लादेश में लोकतंत्र करा रहा, चीन पाक ने उसे फंसा लिया, वे षड्यंत्रों के हैं घोर अपराधी, भारत को उन्होंने फिर जता दिया। 5G AI के युग में फंसे शोषण के मीडिया के तंत्र में, मोबाइल पर चलती उंगलियां, बन गए हम मशीनी तंत्र में। एक वोट देकर हम लेते इतनी अपने मूल कर्तव्यों की, एक वोट देकर हम लेते हम इतनी अपने मूल कर्तव्यों की, हम भी लेंगे समाज सुधार में तभी पूर्ति होगी शहीदों के मंतव्यों की। 77 वर्ष पूरे किए देश ने, फिर भी आज भी है सुधारों की दरकार, हमें भी जूझना होगा समस्याओं से, अकेली क्या कर लेगी सरकार। बनेंगे तो हम भी ही विश्वगुरु, बनेंगे तो हम ही विश्वगुरु, कहता है हमारा पक्का विश्वास, विश्व बंधुत्व की राह पर चले हम, मार्गदर्शन की है सबको आस, मार्गदर्शन की है सबको आस। धन्यवाद। बहुत खुश सर जी, आपने समसामयिक विषयों को भी छुआ, और ये एक कलमकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज की जो हालात हैं उसके ऊपर अपनी कलम की पैनी धार को चलाता रहे। तो माँ के आंचल सम है पावन माटी जिसकी जान, माँ के आंचल सम है पावन माटी जिसकी जान, सत्य अहिंसा भ्रातृभाव ही है जिसकी पहचान। दिनकर के किरणों ने से अपने खोला, दिनकर ने किरणों से अपने खोला स्वर्ण पिटारा, वतन है मेरा प्यारा, वतन है मेरा प्यारा। तो इस श्रृंखला में मैं अब आवाज देना चाहूंगी माधवी जी को, वो मंच पे आए और हम सभी को लाभान्वित करें। नमस्कार, यहाँ पर सभी आए दर्शकों और कभी कवित्रियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मेरा गला खराब है लेकिन अपनी अपने बात अपनी जज्बातों को आप सभी के समक्ष रखती हूँ। माँ भगवती को नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ, सभी का स्वागत वंदन अर्दन करती हूँ और चार चार पंक्तियों से अपनी बात को कहती हूँ। और यदि आप सभी को मेरी बात अच्छी लगे या आपके हृदय को छुए तो आपका आशीष चाहूंगी। सीधे सीधे बात कहती हूँ, आज हम यहाँ सभी 15 अगस्त को एकत्र हुए हैं और इसी उपलक्ष में यहाँ पर एक सुंदर कार्य आयोजन है और मैं पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ। मैं शहीद हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, एक पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ। मैं शहीद हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, मैं लहू से रंगा हूँ शहर में वापस आऊंगा। मैं शहीद हुआ हूँ लहर में वापस आऊंगा, मैं लहू से रंगा हूँ शहर में वापस आऊंगा। यूं ना शोक बनाओ मेरा यू देशवासियों, यूं ना शोक बनाओ मेरा यू देशवासियों, मैं आजाद हूँ सरहद पे वापस आऊंगा, मैं आजाद हूँ सरहद पे वापस आऊंगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत, क्योंकि ये जो आपकी तालियां होती इतनी मीठी मीठी तालियां होती हैं, यही हमारी हौसला अफजाई करती है और यही से हमें ऊर्जा मिलती है। और मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, आप सभी के बीच रखती हूँ। पंक्तियां कहते हूँ कि हम नमन करते हैं और कुछ हमारे वीर साथी युवा साथी ऐसे भी हैं कि हम किसी को नमस्ते भी नहीं करते, बल्कि जो रास्ता चलते हैं हम उनको भी सर झुका के राम राम या जय श्री कृष्णा बोलते हैं। और तब मैं पंक्तियां कहती हूँ, शुक्र करो एतवार करो उन योद्धाओं को नमन करो। क्या कहती हूँ, शुक्र करो एतवार करो उन योद्धाओं को नमन करो, देश की खातिर मिट्टी में मिले उन वीर सपूतों को नमन करो, देश की
खातिर मिट्टी में मिले उन वीर सपूतों को नमन करो, भले ही ना नमन करना बस उनको नमन कर लेना, भले ही ना नमन करना बस उनको नमन कर लेना, देश में जिनकी खातिर आजाद हो उन वीर सपूतों को नमन, देश में जिनकी खातिर आजाद हो उन वीर सपूतों को नमन करो। और यही बात करती हूँ हमारे हौसले की, हमारे भारत की, और चार पंक्तियां कहती हूँ हमारी पहचान क्या है, हमारे भारत की पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है, क्योंकि हमारी पहचान हमारी भारत, हमारा भारत है। और तब पंक्तियां कहती हूँ, देशों की ये नीति है विदेशों में इनकी पहचान है, देशों की ये नीति है विदेशों में इनकी पहचान है, भारत देश के सबसे ऊंचे तिरंगे की पहचान है, भारत देश के सबसे ऊंचे तिरंगे की पहचान है। संविधान जब से लागू हुआ तब से अब तक में, संविधान जब से लागू हुआ तब से अब तक में, देश भारत चंद्रयान 3 हौसलों की उड़ान हमारी पहचान है, भारत चंद्रयान 3 हौसलों की उड़ान हमारी पहचान है। और यही इशिका दीदी हैं, बहन बेटियां हैं और नारियां भी हैं, तो मैं वही चार पंक्तियां निवेदित करती हूँ हमारी आज की युवा पीढ़ी, हमारी बहनें, हमारी बेटियां कैसी हैं। तब पंक्तियां कहती हूँ मैं, हम भारतवर्ष की बेटी हैं घुसकर मारना जानती हैं। हमारी बेटियां कैसी हैं, हम भारतवर्ष की बेटी हैं घुसकर मारना जानती हैं, देश की बगावत करने वालों के सीने चीरना जानती हैं, देश की बगावत करने वालों के सीने चीरना जाती हैं। इस जंगल में शेर ही नहीं हम दहाड़ती शेरनियां भी हैं। यदि मेरी बात आप सभी तक हृदय को छुए तो मैं तालियां चाहूंगी, आशीष चाहूंगी। हम भारतवर्ष की बेटी हैं घुसकर मारना जानती हैं, देश की बगावत करने वालों के सीने चीरना जानती हैं। इस जंगल में शेर ही नहीं हम दहाड़ती शेरनियां भी हैं, देशद्रोही के कंधे पे बैठ के बंदूक चलाना भी जानती हैं, देशद्रोही के कंधे पे बैठ के बंदूक चलाना भी जानती हैं। और पंक्तियां कहती हूँ, तिरंगे को समर्पित करती हूँ। और अंतिम पंक्तियां कहती हूँ, हमारे तिरंगे को समर्पित करती हूँ। क्या कहती हूँ, क्षितिज तक गूंजेगा ध्यानेश तिरंगा लहरेगा, हमारा तिरंगा क्या है अपने अल्फाजों में व्यक्त करती हूँ पंक्तियां कहती हूँ। क्षितिज तक गूंजेगा ध्यानेश तिरंगा लहरेगा, भारत का मान बढ़ेगा विश्व भर में तिरंगा फहरेगा, भारत का मान बढ़ेगा विश्व भर में तिरंगा फहरेगा, जो करेगा तौहीन इसकी वो मिट्टी में मिलकर के, जो करेगा तौहीन इसकी वो मिट्टी में मिलकर के, अब देश में ही नहीं विश्व भर में तिरंगा चमकेगा, अब देश में ही नहीं विश्व भर में तिरंगा चमकेगा। और यही अपनी गाड़ी को विराम देती हूँ और आप सभी का आशीष चाहूंगी। एक छोटी सी नंदी सी कलम ले अभी नवोदित हूँ, लिखने का प्रयास है। बहुत सुंदर माधवी, बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत ओज से परिपूर्ण, और आपकी कलम की धार ऐसे ही बनी रहे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो बेटी ने भी इतना मजा आया, उसने भी तालियां बजाई, तो ये जोश। अच्छा, रामपुर से आई, मायका है और ये मेरा भतीजा है और ये मेरी बेटी है। अच्छा, सहारनपुर से। बहुत अच्छी बात है। अभी 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 हमारे शहीदों की बात हो रही थी और माधवी ने भी की, तब मैं कहना चाहती हूँ कि भूलते हो तुम अरे क्यों उन शहीदों की कहानी, भूलते हो तुम अरे क्यों उन शहीदों की कहानी, चूमते थे फंदों को जो अपनी भर भर के जवानी, गांव रोया शहर रोया देश रोया विश्व रोया, आंख भर भर रोई देखो फिर यहाँ पर जिंदगानी, आंख भर भर रोई देखो फिर यहाँ पर जिंदगानी। तो उन सभी शहीदों को नमन करते हुए मैं इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अपनी बहन सुधा वर्मा को यहाँ निमंत्रण देती हूँ, वो आए और अपनी बात करें। बहुत अच्छा, जब कोई कभी आए तो तालियां सब लोग इसमें पंक्तियां तो सुनते ही अच्छी हो जाती है। अच्छा, आदरणीय मिलन जी को मैं नमन करती हूँ, उपस्थित सभी को मैं नमस्कार करती हूँ।
आजकल जो चल रहा है उसी के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि जैसे बांग्लादेश में हो रहा है और उसी डूबती निशा की निशाचरी अस्त अब होने दो, डूबती निशा की निशाचरी अस्त अब होने दो, भोर की सुनहरी किरण से ओज अब बिखरने दो, भोर की सुनहरी किरण से ओज अब बिखरने दो, रक्त रंजित उन घटनाओं की पुनरावृत्ति अब न होने पाए, रक्त रंजित उन घटनाओं की पुनरावृत्ति अब हो न पाए, चले गए जो काल के गाल उन जख्मों को न बिसरने दो, चले गए जो काल के गाल उन जख्मों को न बिसरने दो, अंतर मन का द्वंद कहीं तो कहीं गहरी खाई सा फंद, अंतर मन का द्वंद कहीं तो कहीं गहरी खाई का खाई सा फंद, लेकर चला जो कुंठित मन अब उसे ढहने दो, लेकर चला जो कुंठित मन अब उसे ढहने दो, प्रस्फुटित हुए जो अविरल मन में किंचित जो अवशेष हैं, प्रस्फुटित हुए जो अविरल मन में किंचित जो अवशेष हैं, हृदय तम मिटाकर तुम प्रेम दीप अब जलने दो, हृदय तम मिटाकर तुम प्रेम दीप अब जलने दो, लिपटकर आए जो वीर सपूत पुनीत तिरंगे में, लिपट कर आए जो वीर सपूत पुनीत तिरंगे में, उन बलिदानी माओ के नमन में शीश अब झुकने दो, उन बलिदानी माओ के नमन में शीश अब झुकने दो, ये मेरे देश के वीर जवानों के बलिदानों की मिट्टी है, ये मेरे देश के वीर जवानों के बलिदानों की मिट्टी है, इस मिट्टी को नमन इस रज से विजय तलक अब करने दो, इस मिट्टी को नमन इस रज से विजय तिलक अब करने दो, डूबती निशा की निशाचरी अस्त अब होने दो, डूबती निशा की निशाचरी अब अस्त होने दो, बहुत बहुत सुंदर आपने लिखा। और ये हमारी आजादी के संदर्भ में एक बहुत गहरी बात आपने कही और एक प्रेरणादायक आपने बात कही। आपके शब्दों में एक पैनी धार धीरे धीरे बहुत उभर कर आ रही है, बहुत अच्छा लगा सुधा जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और हम सभी इसे बहुत प्रेरित हैं और अभिभूत हैं। तो फिर से हम आते हैं अपने इस भारत देश की माटी के ऊपर कि यहाँ के हमारा सुबह से किस तरीके से हम अपने दिन को यहाँ भारत में शुरू करते हैं, जबकि विदेशों में इससे कुछ अलग दिखाई देता है। तो भारत की सुबह होती है, सुबह सुहानी वेद मंत्र से हर हर शंभो गावे, सुबह सुहानी वेद मंत्र से हर हर शंभो गावे, मस्जिद में अल्लाह किया जाने जनमन को हर्षावे, गली गली में राम राम घनश्याम का जय जयकारा, गली गली में राम राम घनश्याम का जय जयकारा, वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश, वतन है मेरा प्यारा ये भारत देश हमारा। और इसी श्रृंखला में मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी को, वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया संचालिका जी। मैंने अभी ताजा मतला का है इस मौके पर, बस जो मेरी वतन के लिए और इंडिपेंडेंस डे के लिए जो मेरी भावना है कि मेरा मतलब कहेगा, मनाओ जश्न के आज़ाद हो गए हैं हम, मनाओ जश्न के आज़ाद हो गए हम, मनाओ जश्न के आज़ाद हो गए हम, गवर्नमेंट लूट में उस्ताद हो गए, मनाओ जश्न के आजाद हो गए हम, मनाओ जश्न के आजाद हो गए हम, गवर्नमेंट लूट में उस्ताद हो गए हम। और बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं पहली वाली मीटिंग में भी कुछ पहले आ गया था, बहुत सारी बातें हो रही। अब मैं देश के क्या हालात हैं, अभी संचालक जी ने अजान की बात करी थी,
कोई अजान का कायल कोई घंटा बजाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। इबादत सीख लो बंदो, मोहब्बत के परिंदे से जो मस्जिद पे भी गाता है, जो मंदिर पे भी गाता है। खुशी जी मोवाले और आप देखिएगा, गरीबा चाक हो उसको जरा सी करके तो देखो, किसी मजबूर की गरीबा चाक हो उसको जरा सी करके तो देखो, किसी मजबूर की खातिर जरा सी करके तो देखो। वही गंगा का पानी है, वही गंगा का पानी है, वही तो आबे जमजम है। किसी मजलूम के आंसू जरा पी कर देखो। पिछली मीटिंग में कोई मोहब्बत की बात हुई थी, चार लाइन और मैं सुना रहा हूँ। मोहब्बत में बहे आंसू की किस्मत और होती है, कि सच्चे मोतियों की कद्र कीमत और होती है। मैं शब्दों से मोहब्बत की नुमाइश कर नहीं सकता, दिखावा और होता है, मोहब्बत और होती है। और मैं केवल कविता की बात ही होगी, क्षमा चाहूंगा। कि हम कहां से कहां गए, डॉक्टर आरफा शबनम है, बहुत अच्छी शायर आए, उनके शेर मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। वो कहती हैं, वही नफरत के शोले, कुछ तो नहीं बदला है, वही नफरत के शोले हैं, वही गम की कहानी है। मैं कैसे मान लूं इसको कि दुनिया सुहानी है। हजारों चैनलों में बट गया है आज का बचपन, न गुड़िया की शादी है, न नानी की कहानी है। वो आप देखिएगा कि पड़ोसी की जवां बेटी पे उठे जब नजर तेरी, तो इतना फूल मचाना तेरी बेटी से। मैं अपनी गजल कहने से पहले कुछ चीजें और याद आ रही हैं कि देखिए हमारी कविता बहुत अच्छा, ये ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बड़ा ये एकेडमिक प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए सुनाने का कुछ और मन है। आप ये देखिए कि कविता हमारी, अभी तक हम वही करते रहेंगे, ठीक है उन्होंने किया, भगत सिंह जी ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया, अशफाक उल्लाह खान ने किया, बहुत अच्छा किया, हम उस चीज को जारी तो रखें और जारी हमारे काम से होगी। अब देखिए जैसे कविता में बड़ी बड़ी क्या क्या बातें होती हैं। अदम गौड़ी साहब कहते हैं, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो चली, उस गजल को वे वाकई माथे की शिकन तक ले चले। और यही बात बल्ली सिंह चीमा साहब ने कही है कि सारे दुखों को लील ले जो वो दवा पैदा करो, सारे दुखों को लील ले जो वो दवा पैदा करो, और सबको बांटे एक साजो वो खुदा पैदा करो। और आप देखिए आगे जो हमारी असमानता है, दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहां तो चरागा तहता हरे घर के लिए, और कहां चराग मैं शहर भर के लिए। तो देखो वो भी कहते हैं कि ये सारा जिस्म झुककर आम आदमी की पीड़ा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से भरा हुआ होगा, मैं सदे में नहीं था, आपको धोखा होगा। आप देखिए कविता में अब ये बात होनी चाहिए, ये हमारा सरोकार है कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं अपनी गजल तरुण में कह के अपने स्थान लूंगा। अगर जी मीनारी आपको मैं जो गजल आपकी मैं
जो एकदम मैं अपने आप ही करेंगे डिसाइड, कुछ सुना तो कुछ और चाहता था, लेकिन आज पहली बार कि मैं ये इतने लोग सुन रहे हैं, मैं दादा को जानता हूँ, बाकी किसी से परिचय नहीं है, ये बिल्कुल खालिश नजर में पढ़ रहा हूँ, मेरा वो मिजाज नहीं है, मेरा सर जरा पानी देना लेकिन निखिल नाम पर मुझे याद आया, बहुत अच्छा काम किया ये, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, मुबारकबाद देता हूँ, तो ये अच्छा काम किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मुझे भाई रियाज इटावी मेरे दोस्त थे, उन्होंने बताया था, ऐसा खुल गया है, हम तो पास भी रहते हैं तो पता नहीं मुझे, चलो ये पढ़ने लिखने के लिए कि जगह मिलेगी, तो मेरी शर्मा जी से ही बात हुई थी, कैसी किताब है, सारी बातें मेरी हो गई, वो किताब नहीं मिलेंगी आपको, पढ़ने लायक मिलेगी, और ऐसी ऐसी बात होती है वहाँ पर, ये एक्टिविटी बहुत अच्छा काम किया है, आप साधुवाद के और धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं एक गजल तरन्नुम से, जिंदगी का जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम, जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम, आप जब होंगे खफा तो, आप जब होंगे खफा तो और क्या देखेंगे हम, जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम। और अध्यक्ष जी ये आपके लिए मैं आपकी नजर कर रहा हूँ कि आपसे मिलने से पहले ये कभी सोचा न था, आप सर में लग रहे सो रहे हैं आप, आपसे मिलने से पहले ये कभी सोचा न था, जिंदगी में हर कदम पर, जिंदगी में हर कदम पर हादसा देखेंगे हम, जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम, और क्या खबर थी आपसे बिछड़ेंगे तो रसवाइयां, कि क्या खबर थी आपसे बिछड़ेंगे तो रसवाइयां, सिलसिला देखेंगे हम, जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम। और ये शेर के मुद्दतों के बाद अपनी याद आई है हमें, वास्तव में अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इसी प्रोग्राम को ये शेर मेरा नजर है कि मुद्दतों के बाद अपनी याद आई है हमें, कि मुद्दतों के बाद अपनी याद आई है हमें, दोस्तों आईना लाओ, दोस्तों आईना लाओ, आईना देखेंगे हम, जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम, और वाकई उलझे हुए हैं, गिरी गिरी चिंता के शेर चलते हुए हैं, के वाकई उलझे हुए हैं जिंदगी के रास्ते, के वाकई उलझे हुए हैं जिंदगी के रास्ते, ऐ मोहब्बत फिर भी तेरा, ऐ मोहब्बत फिर भी तेरा रास्ता दे हम तो देखते हैं। मैं राजकुमार जी को इसलिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बताइए काफी है मेरा दिया, आप बहुत अच्छा लगते हैं, कि वाकई उलझे हुए हैं जिंदगी के रास्ते, ऐ मोहब्बत फिर भी तेरा, ऐ मोहब्बत फिर भी तेरा रास्ता देखेंगे हम, और मौजे तूफान से मिलकर खूब की हैं साजिशें,
कि मौज़े तूफ़ान से मिलकर खूब की हैं साजिशें, ना खुदाओ अब तुम्हारा, ना खुदाओ अब तुम्हारा हौसला दे जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम। और हमारी संचालिकाएं एक भी बार मुझे दाद नहीं दिए, ये मक्के पीछे से दाद ये मक्के का अगर ये मक्के का शेर, ये मक्के का शेर आखिरी लग रहा ये जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम। जिंदगी शिवराज दे दी जब तुम्हारे हाथ में, जिंदगी शिवराज दे दी जब तुम्हारे हाथ में, जो भी दिखलाओगे अब, जो भी दिखलाओगे अब अच्छा बुरा देखेंगे हम। जिंदगी का आईना टूटा हुआ देखेंगे हम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा। दोस्तों आईना लाओ, अब आईना देखेंगे हम। तब मैं कहती हूँ, बड़े ध्यान से सुन रही थी तब मैं आपके शेर पे कहती हूँ कि अजनबी लगता है देखो आज खुद अपना ही साया, अजनबी लगता है देखो आज खुद अपना ही साया, किसको अब अपना कहें और कौन लगता है पराया। अब आप कह नहीं सकते कि मैं सुन नहीं रही थी। और आपकी आपको सौंप दी थी, मैं तभी तो कह रही हूँ, अब आप कह नहीं सकते कि मैं दाद नहीं दे रही थी। मैं पीछे से आपको बहुत दाद दे रही हूँ। बहुत बहुत बढ़िया शेर आपने गए, बहुत बढ़िया गजल गई, वाकई बहुत अच्छा। आपने एक इस माहौल को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया, इस गोष्ठी को बहुत ऊंचाई पर आपने पहुंचा दिया। तो इसके साथ ही अब मैं मध्य में हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो फिर से मैं आती हूँ इस देश के माहौल पर ही कि धर्म फिर से आड़ बन बैठा है जहालियत की, धर्म फिर से आड़ बन बैठा है जहालियत की, रोकनी होगी ये फिरका परस्ती इंसानियत की, रोकनी होगी ये फिरका परस्ती इंसानियत की। और इन शब्दों के साथ में मैं आवाज देना चाहूंगी भाई रामेंद्र जी को, शर्मा जी को। आप कॉफी ले लीजिए, ले आइए, जब तक आप खोलेंगे तब तक दो चार शेर और पढ़ दूंगी समझे। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मेरे अग्रज मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र मिलन जी को नमन करता हूँ, माधुर्य की संस्थापिका और अध्यक्षा निशिराज जी को नमन करता हूँ, और बहुत खूबसूरती से जो संचालन कर रही हैं आदरणीय शशि जी को नमन करता हूँ। आज की गोष्ठी एक विषय को संदर्भित है, आजादी को, तिरंगे को, जिसको रचना वहीं सीमित रखूंगा। सबसे पहले एक कुंडली छंद से भारतीय तिरंगे को सलाम करूंगा, प्रणाम करूंगा। तीन रंग इस राष्ट्रध्वज में है, केसरिया है शौर्य का, केसरिया है शौर्य का, श्वेत शांति का रंग, केसरिया है शौर्य का, श्वेत शांति का रंग, और हरा समृद्धि बतलाए चक्र सुदर्शन सर, हरा समृद्धि बतलाए चक्र सुदर्शन संग, चक्र सुदर्शन संग निरंतर चलता जाए, और राष्ट्रध्वज भारतीय बहुत ऊंचा लहराए, भारतीय बहुत ऊंचा लहराए, और सदा विश्व कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम की बात सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही होती है, सदा विश्व कल्याण देश भारत ने किया, और सत्य सनातन धर्म कहता रंग केसरिया, सत्य सनातन धर्म कहता रंग केसरिया। और आज आजादी तक क्या पीड़ा है कवि के हृदय में,
जो कुंडलियों से आपके साथ जुड़ता हूँ, और फिर एक रचना मैंने विशेष रूप से आज के लिए लिखी है। आजादी तो मिल गई वर्ष 78 पूर्व, आजादी तो मिल गई वर्ष 78 पूर्व, मन आजाद न हो सका धर्म जात में डूब, मन आजाद न हो सका धर्म जात में डूब, धर्म जात में डूब आज हम तड़प रहे हैं, और नेता की सुन बात सभी से झगड़ रहे हैं, नेता की सुन बात सभी से झगड़ रहे हैं, और कहता रवि समझाए कोरोना खुद बर्बादी, कहता रवि समझाए कोरोना खुद बर्बादी, और मन से हो आजाद रखो अक्षो आजादी, अक्षो आजादी। और मिलन जी कि कहते वेद पुराण, कहते वेद पुराण सब रहो सभी आजाद, हमारे अगर आप वेदों में पुराणों में तो वो उन्होंने आजाद माना है आत्मा को, तो कहते वेद पुराण सब रहो सभी आजाद, और मृत्यु लोक के पाप सब कर देंगे बर्बाद, मृत्यु लोक के पाप सब कर देंगे बर्बाद, और कर देंगे बर्बाद हृदय को कमल बनाओ, कर देंगे बर्बाद जिस तरह से कमल कीचड़ से ऊपर रहता है, कर देंगे बर्बाद हृदय को कमल बनाओ, और जात पात को छोड़ सनातन को अपनाओ, जात पात को छोड़ सनातन को अपनाओ, और गीता वर्णित श्लोक सदा ही शाश्वत रहते, गीता वर्णित श्लोक सदा ही शाश्वत रहते, और आत्मा है आजाद सभी शास्त्र यह कहते, आत्मा है आजाद। और एक और कुंडली आप देखिए कि आजादी के नाम पर जो कल विभीषिका दिवस मनाया गया था, उसी को बात को मैंने यहां रखने की कोशिश की है कि आजादी के नाम पर देश बना शमशान, हिंदू मुस्लिम में बटा प्यारा हिंदुस्तान, आजादी के नाम पर देश बना शमशान, और हिंदू मुस्लिम में बटा प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा हिंदुस्तान हुआ नहीं पूर्ण विभाजन, प्यारा हिंदुस्तान हुआ नहीं पूर्ण विभाजन, और नेताओं का कृत्य भुगतता आज आमजन, नेताओं का कृत्य भुगतता आज आमजन, और कहता रवि समझाए रोक लो अब बर्बादी, कहता रवि समझाए रोक लो अब बर्बादी, और जाति धर्म को भूल मनाओ सब आजादी, जाति धर्म को भूल मनाओ सब आजादी। बहुत सुंदर। जिन लोगों को देशद्रोही कहा जाता है, जयचंद कहा जाता है, आस्तीन का सांप कहा जाता है, उन लोगों के लिए ये रचना मैंने विशेष रूप से आपकी नजर कर रहा हूँ, आपका स्नेह चाहूंगा। भारत माता की गरिमा को जो धूमिल करना चाहते हैं, आजाद हिंद की गरिमा को जो धूमिल करना चाहते हैं, धर्म निरपेक्ष स्वतंत्र इस भारत में जो धर्मांधता का कुचक्र चलाते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं निज संस्कृति का जो गीत विदेश के गाते हैं, ये भारतीय नहीं है भुजंग निरे निज जननी को बसना चाहते हैं, ये भारतीय नहीं है भुजंग निरे निज जननी को बसना चाहते हैं। देश प्रेम की क्या परिभाषा, राष्ट्र प्रेम की क्या परिभाषा, जिनको इसका ज्ञान नहीं, और किन वीरों की हम संतान है इसका इनको भान नहीं, किन वीरों की हम संतान है इसका इनको भान नहीं, और राष्ट्र भक्ति को अपने ढंग से, राष्ट्र भक्ति को अपने ढंग से जो परिभाषित करना चाहते हैं, ये भारतीय नहीं है भुजंग निरे निज जननी को दर्शना चाहते हैं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ बहुभाषा भाषी रहते हैं, ये भारत की विशेषता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ बहुभाषा भाषी रहते हैं, सबकी धरा गगन है सबका, सबकी धरा गगन है सबका, सुख दुख सब मिलकर सहते हैं, सुख दुख सब मिलकर सहते हैं, और जात धर्म की तलवारें दे, जात धर्म की तलवारें दे, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं, ये भारतीय नहीं है भुजंग निरे निज जननी को डसना चाहते हैं। और माँ भारती को आगाह करते हुए एक पंक्तियां कहता हूँ कि हे जननी तुम बचना इनसे, हे जननी तुम बचना इनसे,
है ये नेक मुखौटा लगाए हुए। हे जननी तुम बचना इनसे, है ये नेक मुखौटा लगाए हुए, इनकी बातों पर मत जाना, है ये कमर कटार छुपाए हुए। इनकी बातों पर मत जाना, है ये कमर कटार छुपाए हुए, देकर ये भेद विदेशों को, देकर ये भेद विदेशों को घर को लुटवाना चाहते हैं। ये भारतीय नहीं है भुजंग मेरे, निज जननी को ढसना चाहते हैं। देखिए ये जो भुजंग हैं, इनको मैंने कैसे परिभाषित किया है, ये अंतिम बंद में आप सब लोगों का समर्थन चाहूंगा दादा, कि इनसे भले स्वान और गर्धव, इनसे भले स्वान और गर्धव जो स्वामी भक्त कहलाते हैं, इनसे भले स्वान और गर्धव जो स्वामी भक्त कहलाते हैं, पर ये हैं वो गद्दार राक्षस, लहू निज माँ का ही पी जाते, पर ये हैं वो गद्दार राक्षस, निज माँ का ही। इनसे भले स्वान और गर्धव, जैसा बिल्कुल यथार्थ हो तो तालियां बजनी चाहिए, कि इनसे भले स्वान और गर्धव जो स्वामी भक्त कहलाते हैं, पर ये है वो गद्दार राक्षस जो माँ का ही नहीं जाते हैं। और विदेशों से लेकर अस्त्र शस्त्र सुख शांति में आग लगाते हैं, ये भारतीय नहीं है भुजंग निरे, निज जननी को बहुत सुंदर। ये भारती नहीं है भुजंग मेरे जो माँ भारती को डसना चाहते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि धर्म फिर से आड़ बन बैठा है जहालियत की, धर्म फिर से आड़ बन बैठा है जहालियत की, रोकनी होगी ये फिरका परस्ती इंसानियत, रोकनी होगी ये फिरका परस्ती इंसानियत। अब तो मेरे तीन काव्य संग्रह आ चुके हैं, सबसे बड़ी बात यह है ये तीनों ही निखिल प्रकाशन ने छापे। क्या बात, आपका विशेष सम्मान करो। मैं स्टेट बैंक से 3 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, तब तक मैंने कोई कविता नहीं लिखी थी, तो सारे 3 साल में आई है तीनों कविता, और चौथी किताब शीघ्र ही आने वाली है, आपको यथा समय सूचना दे दी है। अब चूंकि देशभक्ति का विषय है और आजादी हमको ऐसे नहीं मिली, बहुत सैनिकों ने कुर्बानियां दी है हम मिले, तो सीधे सीधे देशभक्ति का गीत प्रसंग है। कोया न सैनिकों ने, कोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। खोया न सैनिकों ने, खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। कैसे मिली आजादी बात ये भी दोहराए हैं, कैसे मिली आजादी बात ये भी दोहराए हैं, माँ भारती के वास्ते हर फर्ज निभाए हैं, बढ़ जाए थोड़ा देश का भी, बढ़ जाए थोड़ा देश का भी मान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। गोली अनेकों देश प्रेमियों ने थी झेली, गोली अनेकों देश प्रेमियों ने थी झेली, होली फिरंगियों के साथ खून की खेली, होली फिरंगियों के साथ खून की खेली, झंडा तिरंगा हिंद की है शान दोस्तों, झंडा तिरंगा हिंद की है शान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। अपने वतन से हमको खुद से ज्यादा प्यार है, अपने वतन से हमको खुद से ज्यादा प्यार है,
और मिलजुल रहो माँ भारती की ये पुकार है। अपने वतन से हमको खुद से ज्यादा प्यार है। और मिलजुल रहो माँ भारती की ये पुकार है। दे दो शहीदों को जरा, दे दो शहीदों को जरा सम्मान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। अंतिम बंद है। आखे ब्रिटेनी फौज को जब मार भगाया, आखे ब्रिटेनी फौज को जब मार भगाया, हर घर में हर गली में था उल्लास सा छाया। आखिर ब्रिटेनी फौज को जब मार भगाया, हर घर में हर गली में था उल्लास सा छाया। और वीरों के शौर्य की यही, वीरों के शौर्य की यही पहचान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। खोया न सैनिकों ने स्वाभिमान दोस्तों, उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। उनको नमन जो हो गए कुर्बान दोस्तों। वाकई ये दिन है, एक ये दिन ही नहीं है, एक 26 जनवरी और 15 अगस्त ही दिन नहीं है कि हम अपने शहीदों को नमन करें। हमारा ये एक ऋण है, हमारे ऊपर एक ऋण है उन शहीदों का कि आज हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं, तो हर दिन हमको उनको नमन करना होगा। और सच्ची मेरे जहन में जो बात आती है कि सच्ची बात तो ये है उनको नमन करने की कि हम उन शहीदों के कभी कभी जो हमारे आसपास जो ऐसे लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, उन परिवारों से जाके मिलें, उनके पास जाएं, उनके दुख को बांटें और उनकी उनकी अपनी हालत को समझें और जो कुछ हमसे बन पड़े वो हम करें, ये हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। तो इसी गोष्ठी को अब आगे बढ़ाते हुए मैं आवाज़ देती हूँ। जी बिल्कुल अपनी गजल तो सुनाई, लेकिन और बहुत शायरों के शेर भी बहुत बढ़िया बढ़िया शेर। तो मैं निवेदन करूंगा कि राजकुमार जी हमारे बीच में भाई, कोई आप भी शेर लेकिन वो आपके आपके शेरों की आड़ में राजकुमार जी से भी सुनना चाहते हैं कि भाई लिखता नहीं हूँ। राजकुमार जी नहीं, आप लिख सकते हैं काफी बात है। अजनबी लगता है देखो आज खुद अपना ही साया, अजनबी लगता है देखो आज खुद अपना ही साया, किसको अब अपना कहें और कौन लगता है पराया। तो मैं इन शब्दों के साथ मैं राजकुमार जैन जी को आवाज देती हूँ। कुछ जो मन में हो इन शहीदों के, जो आपको समझ आए वो आप बोलिए। मंत्र बोलिए, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। मुझे याद है कुछ कि आईना बनने से बेहतर है यारो, आईना बनने से बेहतर है यारो पत्थर बनो, आईना बनने से बेहतर है यारो पत्थर बनो, जब भी तराशे जाओगे, जब भी तराशे जाओगे देवता कहलाओ। फिजूले गम हम सबको रुला नहीं सकता, फिजूले गम हम सबको रुला नहीं सकता, क्या करें हम सबकी आदत है मुस्कुराने की। बहुत बढ़िया, क्या क्या आपने गहरी बात कह दी कि पत्थर बनो तो देवता बन जाओ, बहुत बड़ी बात है। आईना लेकिन सब बिल्कुल सही बात, आईना अपने लिए नहीं बनना चाहते हैं, दूसरे के लिए बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही बात आपने कही। और
आजकल हम रोज ही अखबारों में पढ़ते हैं और सच बात बता रही हूँ, आज इस गोष्ठी में अपने मन की बात रखती हूँ कि जब भी मैं पढ़ती हूँ कि हमारा एक जवान शहीद हो गया इन आतंकियों आतंकवादियों को मारने में, दिल बैठ जाता है और अखबार पढ़ने का मन नहीं करता। पता नहीं कितने, बल्कि कई बार मेरे मन में आया कि मैं मोदी जी को लिखूं कि ये क्या हो रहा है, रोज हमारा एक शहीद, एक हमारा अनमोल हीरा हम उसको खो रहे हैं, एक अनमोल हीरे को खो रहे हैं। वाकई दिल बैठ जाता है, अखबार पढ़ने का मन नहीं करता। मैं बंद कर देती हूँ उस समय अखबार, बाद में फिर अखबार पढ़ती हूँ। तो तब मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल बहुत बेचैन है देखकर इतने जनाजे, आज भी एक शहीद हुआ है। दिल बहुत बेचैन है देखकर इतने जनाजे, हैं कफन कम और लाशें हैं ढेर सारी, है कफन कम और लाशें ढेर सारी। ये बात सही है, और अगर इसके दोषी हम ही लोग हैं, अगर इस बार भी हम बिल्कुल दोषी कहीं ना कहीं हम ही है, बिल्कुल कम होने से बिल्कुल। देख लीजिए दोबारा से, उसी दिन जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उस दिन बस पर हमला कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये दोष हम ही लोगों का है, लेकिन अब क्या करें, किसको समझाएं और कैसे समझाएं, पता नहीं लोग इतने ना समझ कैसे बने हुए हैं इस देश में, कुछ समझ नहीं आता। थोड़ी सी एक बोतल शराब में बिक जाते हैं, कुछ चंद पैसों में बिक जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कहें। तो खैर एनीवे, ये हमारे मेरे मन की एक बात थी, और मैं अब अपनी बड़ी बहन को बड़ी बहन कह सकती हूँ बुलाना चाहूँगी। रमा वर्मा जी को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने काव्य पाठ से हम सबको नवाजें। एक मुक्तक और एक गीत में आपके समक्ष रखूंगा, विषय के अंतर्गत ही होगा। निश्चित रूप से हमारे भारतवर्ष में हमारी जो नारी शक्ति है वो किसी से कम नहीं। अगर हमारे वीर सैनिकों ने अपने शीश कटाए तो हमारी नारी ने भी उनका पूर्ण सहयोग किया है और तन मन धन से वो उनके साथ रही हैं। तो जो हमारी वीर माताएं हैं, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर हमारे जैसी वीर स्त्री और वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, किसी देश में नहीं हुई हैं। कि जो माता अपने बेटे को सीमाओं पर भेज रही है, रणभूमि में भेज रही है, तो वो आरती उतारेगी, तिलक लगाएगी और हंसते हंसते उसे अपने रणभूमि में भेज देगी। तो तब मैं एक कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ और कहती हूँ कि माँ क्या कहती है अपने बेटे से रणभूमि में भेजते समय, कि मेरे आंचल की लाज रख लेना, मेरे आंचल की लाज रख लेना और राखी का प्यार रख लेना, आखिरी सांस भी बचे बाकी, आखिरी सांस भी बचे बाकी, तू तिरंगे निशान रख लेना, क्या तू तिरंगे के नाम देना। ऐसी हमारी भारतीय नारी की भूमि है, इन्होंने हंसते हंसते अपने बेटों को कुर्बान कर दिया। अब यह गीत आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और उन बेटों की कुर्बानियों के लिए जिन्होंने हंसते हंसते अपने शीश कटाए, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां एक गीत के माध्यम से आप सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिए। कुर्बानियां
लिखा है कि हंस हंस कर चूमे थे फांसी फंदे में, हंस हंस कर चूमे थे फांसी फंदे में, ऐसे ऐसे जीवट वाले बंदे में, ऐसे ऐसे जीवट वाले बंदे में, माँ की ममता प्यार पिता का छोड़ दिया, माँ की ममता प्यार पिता का छोड़ दिया, बहना की राखी का धागा तोड़ दिया, बहना की राखी का धागा तोड़ दिया, तो रोम रोम में प्यार बतन का पलता था, रोम रोम में प्यार बतन का पलता था, मन में आजादी का विश्वासों से भरी डगर थी उन सब की, आशाओं पर टिकी नजर थी उन सब की, आशाओं पर टिकी नजर थी उन सब की, केसरिया रंगों के वो दीवाने थे, वतन पे मिटने वाले वो परवाने थे, वंदे मातरम गाते थे, भारत माँ का मान बढ़ाए जाते थे, तो खून की होली खेल गए वो भर भर के पिचकारियां 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 कुर्बानियां कुर्बानियां। अब देखा कि जब तक चांद सितारे नभ में चमकेंगे, जब तक चांद सितारे नभ में चमकेंगे, जब तक दिनकर निज प्रकाश फैलाएंगे, जब तक नदिया कल कल धुन में गाएगी, जब तक कोयल मीठा राग सुनाएगी, जब तक झरने झर झर कर मुस्काएंगे, जब तक झरने झर झर कर मुस्काएंगे, तब तक याद तुम्हारी हमको आएगी, कुर्बानी रखूं आंसू बन जाएगी, तो बुरा नहीं बुला नहीं पाएंगे असमय बिछड़ी जो करुणाइयां करुणाइयां करुणाइयां। और अंतिम है कि उनके बंधन में युग शीश झुकाएंगे, उनके बंधन में युग शीश झुकाएंगे, धरा गगन मिल उन पर पुष्प चढ़ाएंगे, साहस शौर्य दिशाएं उनका गाएंगी, सौरभ समीर यश का परचम फहराएंगे, खुशबू उनकी सुमन सुमन से आएगी, खुशबू उनकी सुमन सुमन से आए, कुर्बानी आंसू आंसू बन जाएगी, कुर्बानी आंसू आंसू बन जाएगी, तो अपने लहू से सींच सींच कर लिख गए अमर कहानियां 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 कुर्बानियां 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 कुर्बानियां। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। रमा जी की जय। अपने लहू से सींच सींच कर ले गए कहानियां कहानियां कुर्बानियां। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने प्रस्तुत किया रमा जी। बहुत वाकई हम नमन करते हैं उन शहीदों को जिनके लहू से आज ये भारत की नई कहानी लिखी जा रही है। गर्दन काटो तलवारों से या के लगे सीने पर गोली, गर्दन काटो तलवारों से या के लगे सीने पर गोली, हम सपुत्र हैं भारत माँ के, वंदे मातरम हमारी बोली, वंदे मातरम हमारी बोली। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस माधुरी संस्था की अध्यक्ष निशिराज जी को यहाँ आमंत्रण देना चाहूंगी। निशिराज जी आए और ये मंच संभाले, अपनी कविता से हमको आह्लादित करें। निशिराज जी बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी। सबसे पहले तो मैं
पब्लिकेशंस भाभी जी, इशिका, निखिल और मोहन मुरारी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर मंच बनाया कि जहाँ पर हम आज मुझको माधुर्य हमारी संस्था को, वैसे तो हम हर माह इसी प्रकार की काव्य गोष्ठी करते रहते हैं, आज उन्होंने हमें दो ऐसे नगीनों से परिचित कराया, यादव जी और हमारी सुनाया। और अक्सर हम ऐसे नगीने ढूंढते रहते हैं कि हमारी काव्य गोष्ठी की शोभा बढ़ाएं, और छोटे बच्चों का तो मेरा हमेशा ये रहता है कि कोई भी प्रतिभा हो वो आगे बढ़ती चले, क्योंकि जो बात समाया रानी का हूँ चर्चा करना चाहूँगी इस बात पर मैं कि ऐसे, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, वो टीनेजर्स देखती हूँ, उनके वो इमोशंस देखती हूँ जो कहीं मरते चले जा रहे हैं, भाव शून्यता उनके अंदर वो जो नज़र आती है मुझे, उनमें ये बच्ची जो है मुझे बिल्कुल अलग सी जान पड़ी, क्योंकि उसने वो जलियांवाला बाग का जिक्र किया, उसका जिक्र किया जो आजकल के बच्चे जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते, कोई नॉलेज नहीं रखते, और जिसके अंदर उस मार्मिक प्रसंग के प्रति वेदना है, तो आप सोचिए उसके इमोशंस कहाँ तक जागृत हो सकते हैं। जोरदार तालियां समारोह के लिए और बहुत सारा आशीर्वाद के इसी तरह इन इमोशंस को, इन भावों को आप बनाए रखें, क्योंकि यही भाव हैं जो आगे चल के आपको एक सही मानव, एक मनुष्य, एक आदमी बनाएंगे, एक इंसान बनाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें सब लोगों ने कही, हर प्रसंग पर यहाँ बात चली, और एक और बात जो मेरे मन में आई वो भी कहना चाहती हूँ कि आवश्यक नहीं कि बहुत चीख चिल्ला कर हम अपने जोश को अपने वीरता को, अपने जज्बातों को जाहिर करें देश के प्रति, बड़े सौम्य भाव में भी हम जब कोई कविता पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ जान होती है, उसमें भी कुछ आन होती है, उसमें भी कुछ शान होती है ना। तो आज की इस गोष्ठी के लिए जोरदार ताली। कुछ एक कटाक्ष कर रही हूँ, आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि आज मिलते हैं वो उठा के नजर, आज मिलते हैं वो उठा के नजर जो कभी सर झुकाया करते थे, आज मिलते हैं वो उठा के नजर जो कभी सर झुकाया करते थे, उस खुदा का क्या हुआ जिसके सजदे में गाया करते। तो आज का जो माहौल है आप सभी जानते हैं, आईने पर बहुत बात चली, बहुत ऊंचा कर गया है माइक, चलिए कोई बात नहीं। हम आईने को किस तरह से हम देखें, आईना दूसरों को बनाए या खुद को बनाए, तो इस पर ही कुछ एक प्यारी सी गजल है, से अजल कहें या गजल कहें, मैं तो जज्बात कहती हूँ और रूह के हर्फ में डूबी हुई हर बात कहती हूँ, तो सुनिएगा। आईना खुद को बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए, सूरतों के रंग पर मत जाइए, सूरतों के रंग पर मत जाइए, सीरतों को आजमा कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए, आईना खुद को बना कर देखिए। और ये उन लोगों के लिए जो डबल फेस्ड होते हैं, आजकल क्या माहौल है आप सभी जानते हैं, फिर एक कटाक्ष, चेहरे पे चेहरा रखोगे
देखी एक चेहरे से निभा कर देखिए गैर को अपना बना कर देखिए आईना खुद को बना कर देखिए। अक्सर क्या है आप जानते हैं कि आज का जो इंसान है वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गया है। अगर दूसरों की चिंता उसके मन में हो तो आज के समाज में जो बुराई है वो हुई ना। खुद की खातिर जी रहे थे अब तलक, खुद की खातिर जी रहे थे अब तलक, उनकी खातिर जान लुटा कर देखिए, उनकी खातिर जान लुटा कर देखिए, वैर को अपना बना कर देखिए आईना खुद को बना कर देखिए। और एक और जो हमारे अंदर खूबी कहें कि खामी कहें या एक इंसान का ये नेचर है प्रकृति बन गई है कि हम सबसे पहले किसी को देखते हैं या मिलते हैं उसके अंदर की बुराई नजर आ जाती है खूबी नजर ही नहीं आती। तो ऐब गिनने में निकाली जिंदगी, ऐब गिनने में निकाली जिंदगी, अब हुनर उनका नजर भर देखिए, अब हुनर उनका नजर भर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए आईना अपन को बना कर। अब देखिए अंतिम जो बंद है वो सुना रही हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज के माहौल के ऊपर है, देश के ऊपर है, आप सबको समर्पित, देश को समर्पित, देश के शहीदों को समर्पित। भूल करके नफरतों की बोलियां, भूल करके नफरतों की बोलियां, मोहब्बतों से दिल लगा कर देखिए, मोहब्बतों से दिल लगा कर देखिए, गैर को अपना बना कर देखिए आईना खुद को बना कर देखिए। शशि जी के लिए में बुलाया जाएगा आपको। एक मेरा लिखा ही शेर है जो इनके ऊपर मैं इस समय इनको डिवोट कर रही हूँ कि मेरे आने से पहले और मेरे बाद आएंगे, मेरे आने से पहले और मेरे बाद आएंगे, बड़े पुरनूर चेहरे और बड़े दिलशाद आएंगे, मेरे आने से पहले और मेरे बाद आएंगे, बड़े पुरनूर चेहरे और बड़े दिलशाद आएंगे, मगर दोस्त मेरे जैसे महफिल में, मगर दोस्त मेरे जैसे महफिल में न पहले आए थे ऐसे न मेरे बाद आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन निशिराज, दोस्त मेरे ना पहले थे ऐसे ना उसके बाद आएंगे, ये मेरे ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं सोचती हूँ क्या पढ़ा जाए, तो
महसूस कर आज तो मेरे ख्याल में हाँ मैं वही सोच रही हूँ तो आज के ही उसके ऊपर मैं आती हूँ आज के सब्जेक्ट के ऊपर एक गीत आपके सामने रखती हूँ बहुत कुछ कह दिया मैंने मेरा अपना ही लिखा था अभी तक जो कुछ भी कह रही थी तो एक गीत आपके सामने रखती हूँ इसका शीर्षक है जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी चरण बढ़ चले आगे चरण बढ़ चले आगे अब पीछे नहीं हटेंगे चरण बढ़ चले आगे अब पीछे नहीं हटेंगे तन मन धन अर्पण अपना हम माँ की पीर हरेंगे हम माँ की पीर हरेंगे अब पीछे नहीं हटेंगे अब पीछे नहीं हटेंगे माना कोहरा बहुत घनेरा माना कोहरा ये आजकल की पूरी तस्वीर देना चाहती हूँ आज देश में जो तस्वीर है जो हमारे लीडर्स जो हमारी जनता के लिए कर रहे हैं क्या उनकी नीतियाँ हैं वो सारा उसमें कुछ देने की कोशिश की है माना कोहरा बहुत घनेरा और तमस ने डाला डेरा माना कोहरा बहुत घनेरा और तमस ने डाला डेरा समय की मुट्ठी में बंद है प्रगति का स्वर्णिम सवेरा दीप ज्योतिर्मय जलाकर चरण को आगे बढ़ाकर दीप ज्योतिर्मय जलाकर चरण को आगे बढ़ाकर भारती की पीर हर लेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे देश के कृषकों की खातिर नौजवान बच्चों की खातिर देश के कृषकों की खातिर नौजवान बच्चों की खातिर दिव्यांगों के फन की खातिर माताओं बहनों की खातिर मजदूरों के हक की खातिर क्षणित माँ प्रकृति की खातिर नव जागृति का शंख फूकेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे सरहदों के वीर सैनिक जो खड़े चट्टान बनकर सरहदों के वीर सैनिक जो खड़े चट्टान बनकर बर्फ में भी सीना ताने मातृभूमि के दीवाने आंधियों में घर बनाकर आंधियों में घर बनाकर हौसलों के पर लगाकर आसमां तक हम उड़ लेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे राम का ये देश है और गीता का उपदेश है राम का ये देश है और गीता का उपदेश है भारती पर मिटने वालों का अमर अभिषेक है तिरंगे का मान रख कर बलिदानों से सीख लेकर तिरंगे का मान रख कर बलिदानों से सीख लेकर एक नया सूरज उगा देंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे अब नहीं पीछे हटेंगे और अंतिम पंक्तियां हैं भारती की चरण रज में शीश धरते जनमन गढ़ में भारती की चरण रज में शीश धरते जनमन गढ़ में चंदनी मिट्टी लगाकर इंकलाबी गीत गाकर चंदनी मिट्टी लगाकर इंकलाबी गीत गाकर संप्रभुता की आन र
देखिए अभी बांग्लादेश का हमारे सामने ही है, संप्रभुता की आन रख कर अस्मिता का भान रख कर आज हम ये शपथ लेते लहू से लिख कर ये देते, आज हम ये शपथ लेते लहू से लिख कर ये देते, ध्वज को उसकी शान दे देंगे अब नहीं पीछे हटेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे, अब नहीं पीछे हटेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस उत्साहवर्धन के लिए। और अब हमारे अध्यक्ष जी अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आदरणीय राजेंद्र मिलन जी, जिसे कहते ना वैसे तो हाथी के पांव में सबका पांव, हम सब उन्हीं के उन्हीं के साथ में यहाँ तक आगे बढ़े हैं और जो कुछ भी सीख रहे हैं लिखना, आज ही हमारी जो कलम चल रही है उसका प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी। तो मैं राजेंद्र मिलन जी को बुलाना चाहूंगी कि धरती में स्वर्णिम सी आधा ऊपर नीला आकाश, धरती में स्वर्णिम सी आधा ऊपर नीला आकाश और लहर लहर उड़े चुनर धानी चुनरिया हृदय में चिदाकाश, लहर लहर उड़े धानी चुनरिया हृदय में चिदाकाश, वंदे 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 माँ की शान है मेरा प्यारा हिंदुस्तान, है मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देना चाहती हूँ आदरणीय राजेंद्र मिलन जी को, वो अपनी कविता से हम सभी का उत्साह बढ़ा। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा अच्छा लगूंगा, इसलिए जब अध्यक्ष बना दिया आपने, मैं आज के इस पावन पर्व पर सभी उपस्थित लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और दरअसल 70 वर्ष से लिख रहा हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत लिखा है मैंने और सारी बातें सोचता रहता हूँ, और इसलिए आपका प्यार मिलता है कि हर एक आयाम पर हर एक एंगल पर सोचता हूँ मैं, कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ, उपन्यास लिखता हूँ, नाटक लिखता हूँ, रिपोर्टर लिखता हूँ, सब विषयों पर लेखनी मेरी चलती है। ये माँ बिना पानी का कुछ मेरे ऊपर स्नेह है। आज केवल सामयिक संदर्भ में कविता पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि हम जानते हैं कि 78 वर्ष की आज़ादी के बाद हमको जो हमने सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ, और हमें बड़ी वेदना है कि अभी हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आज के दिन मैं ये चाहता हूँ कि उन बातों पर हम गौर न करें और अपने देश का जैसा भी देश है जो हम इसको हम बड़े सम्मान से आज के दिन का स्वागत करें और अपनी बात कहें। तो पहले दो एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए है। मिटा दो तुम मिटा सकोगे तुम अभी जवान, राजकुमार जी हैं हमारे और बैठे हैं, बेटे बैठे इधर भी बैठे हुए हैं। मिटा दो तम मिटा दो तम मिटा सकोगे तुम अभी जवान हो, उठा लो गम उठा सकोगे तुम, मिटा लो तम मिटा सकोगे तुम अभी जवान हो, उठा लो गम उठा सकोगे तुम अभी जवान हो, दर्द गैरों का बांट लो मुस्कुरा के दोस्त, दर्द गैरों का बांट लो मुस्कुरा के दोस्त, और उठा लो गम उठा सकोगे तुम अभी जवान हो। रही है थोड़ा सा, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है। और देखिए एक और मुक्तक मुझे याद आ जाए, चलिए बीच में याद आएगा, जो मैंने कविता आज के लिए विशेष तौर से लिखी है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत। वीर शहीदों की अभिन्न पहचान ये, आज का दिन क्या है जी सर, वीर शहीदों की अभिन्न पहचान ये, वीणा पानी का अतुल्य वरदान ये, वीणा पानी का अतुल्य वरदान ये, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, हिंदुस्तान है ये,
इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान, इसको शत शत बार प्रणाम, इसको शत शत बार प्रणाम। हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये। देखिए कैसा देश है हमारा, हर एक आयाम पर मैंने बात कही है, देखिएगा कि शौर्य वीरता पराक्रमों से रहता मर्यादित है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते, जब कोई हम पर आक्रमण करता है तब हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं। शौर्य वीरता पराक्रमों से रहता मर्यादित है, धैर्य क्षमा उपकार बंधुचारे से गौरवान्वित है। दैविक विज्ञान ये ज्ञान की खान ये, दैविक विज्ञान ये ज्ञान की खान ये, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान, इसको शत शत बार प्रणाम, इसको शत शत बार प्रणाम। और देखिएगा कि सुंदर हवेलियों की रौनक और महान रजवाड़े, अपने देश को देखिए आप, कहीं नहीं मिलेंगी ये चीजें। मुझे मौका मिला विदेश में जाने का, दो एक जगह गया, लेकिन जो शान यहाँ पर है वो कहीं नहीं मिल पाती है। सुंदर हवेलियों की रौनक और महान रजवाड़े, क्रीड़ांगन पावन गुरुद्वारे शालाएं मंच अखाड़े, तीर्थ संज्ञान ये, तीर्थ संज्ञान ये, रम्य प्रतिमान ये, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान, इसको शत शत बार प्रणाम, हिंदुस्तान है ये। और देखिएगा हमारे मौसम विदेशों में आपको मिलेंगे ही नहीं, कहीं कहीं तो 6 महीने रात रहती है, 6 महीने ऐसा। और ये मौसम हमारे पास, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया, कहीं नहीं मिलता है। मैंने लिखा है कि सावन भादो आषाढ़ फागुन रंग रसिया मत वाले, सावन भादो आषाढ़ फागुन रंग रसिया मत वाले, मौसम है रमणीक निराले तन मन मोहने वाले, मौसम है रमणीक निराले तन मन मोहने वाले, शाश्वत सम्मानिए नवरंगी उड़ानिए, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये, हिंदुस्तान है ये। आगे देखिएगा कि अद्भुत बिरली शिल्प कला से शोभा शिवालयों की, हमारे देश में ताजमहल की बात करते हैं लोग, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं अपने मंदिरों को देखता हूँ। दक्षिण भारत में जाइए वो देखिए, ताजमहल कुछ नहीं लगता है साहब। और अभी अभी मैं एक बात और बता दूं, हमारे अभी आगरा ही में जो आपका राधा स्वामी का जो बनाया, उसकी आप पच्ची का भी देखिए, उसका शिल्प देखिए, भूल जाएंगे साहब ताजमहल को। लेकिन अब ये है कि किसी ने कह दिया ताजमहल साहब आठवां आश्चर्य है, तो उसमें शामिल हो गया। लेकिन इससे इससे भी महान हमारी इमारतें हैं हमारे यहाँ पर, अद्भुत बिरली शिल्प कला से शोभा शिवालयों की, नभिस्पर्शी ऊंचाई मन हर लेती शिखरों की। हमारे हिमालय पर्वत है एवरेस्ट हमारे यहाँ पहला, अद्भुत बिरली शिल्प कला से शोभा शिवालयों की, नभिस्पर्शी ऊंचाई मन हर लेती शिखरों की, अपना अभियान ये अनुपम उद्यान ये, हिंदुस्तान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी जान है ये, इसकी आन बान पर मर मिटने का है अरमान, इसको शत शत बार प्रणाम। और देखेगा और क्या खूबी हमारे इस देश में कि वसुंधरा सा उर्वर इसका गर्वित कोना कोना, वसुंधरा सा उर्वर इसका गर्वित कोना कोना, मोती माणिक रत्नों सा दुर्लभ चांदी सोना, बड़ा महान है ये, बड़ा महान है ये, अपनी जान है ये, हिंदुस्तान है ये, अपनी शान है ये। और सुनिए और क्या खासियत है कि गंगा यमुना चंबल प्राणदायिनी नदियां बहती, कहीं कहीं तो आपको नदियां ही नहीं मिलेंगी, पानी भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं आप और विदेश में जाए तो वहां भी बड़ा अभाव मिलता, कई जगह है जैसे अफ्रीका को देख लो आज हालत क्या है, अफ्रीका के हालात आप देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया का भी मैंने अभी सुना है, ऑस्ट्रेलिया का भी वहाँ जल्दी ही होता जा रहा है, वहाँ भी बुरा हाल है। प्रभु का गंगा यमुना चंबल प्राणदायिनी नदियाँ बहती,
पुरवाई पछुआ घर आंगन पावन करती रहती, पुरवाई पुरवाई पछुआ घर आंगन पावन करती रहती। प्रभु का गान है ये, गर्वीली तान है ये, हिंदुस्तान है ये, वीर शहीदों की अभिन्न पहचान ये, वीरा पानी का अतुल्य वरदान ये। मिलन जी एक 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 और ऐसी वाली जो सबको मजा दे दे, हमारी गाड़ियों में चलती है, प्लीज जाने को इसके विपरीत, हाँ इससे विपरीत हटके, क्योंकि जरूरी है, इतना समय है यार, नहीं है, अरे समय क्या ही पता, दो मिनट और पांच मिनट और छह बजे। अच्छा सुनिए, मैं आपको नीरज जी कैसे पढ़ा, ये चीज है, ये आपको नीरज जी की अदा में और शब्द मेरे हैं, लेकिन अदा आपको नीरज जी की मिलेगी, ये देखिएगा, आपको एक कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि नीरज की अदा के लिए नीरज की दवा भी लेनी पड़ेगी, नीरज की दवा नहीं आई, वो तो उनका हाल यही था। मैं आपसे रियल कह रहा हूँ, मैं सहारनपुर में कभी सम्मेलन था, बाई चांस रहता था वीरेंद्र मिश्र थे और आपके ये वीरेंद्र मिश्र बैठे हुए थे और सौभाग्य से मेरी बगल में नीरज जी भी बैठे हुए थे। अब नीरज जी को जब पूरा हो गया तो मुझसे बोले, अरे मिलन अबे यार इससे कह दे मुझे बुला ले। मैंने कि भाई साहब आपका मुकाम बहुत ऊंचा है, आपको कैसे बुला लेगा, अभी तो हम लोग वाला भी नहीं पढ़ा। अबे यार अब मैं क्या करूँ, अब फिर मैंने उसको इशारा नहीं किया, साहब जो माइक पे अपना संचालन कर रहे थे वो बोले नहीं कैसे नहीं, अभी कैसे बुला लूँगा, तो बोले यूँ बोले ऐसे करते उठ के चले गए। अबे यार फिर और लगानी पड़ेगी, फिर जा रहा नीरज जी को छोड़िए, नीरज जी की जगह आप कृष्ण बिहारी नूर को देखिए, उनकी उनकी जिस वक्त मैंने ये गजल सुनी, मैं आपसे रियल कह रहा हूँ, पहले नीरज जी को वो भी सुनाइए, वो भी नहीं यार दो तो वो नहीं चलेंगे, बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, हाँ यही तो मैंने कहा, समय की बड़ी खूबी होती है, और मिलन जी तो समय के इतने पावन है, वो हम जैसों को सबको बोलते हैं कि जब समय कोई है तो उसका पाबंदी रहनी चाहिए, नीरज जी को सुनाइए, नहीं रचना दादा की है, आधा नहीं रचना, यही मैं कह रहा हूँ, यही मैंने आपसे कहा है, लेकिन अपने मुंह मिट्टी है, पुराने लोग हैं साहब, आज उसको याद कर, सुनिए साहब आप ये सोच लीजिएगा कि एक डुप्लीकेट नीरज आपके सामने खड़ा हो गया, ये देखिए 2024 में नीरज जी 2024 सुनिएगा, सुनिएगा मिल गया मुझे उनकी रचना, गीत रचे खूब से छप गए रसूख से, ढेर से सगे हुए थोक में बिके हुए, यार हम ठगे ठगे देखते ही रह गए, कारवां गुजर गया, गीत रचे खूब से छप गए रसूख से, ढेर से सगे हुए थोक में बिके हुए, यार हम ठगे ठगे देखते ही रह, जश्न बाजार को जिंदगी की मार को, यार हम लुटे लुटे देखते ही रह गए, गीत रचे खूब से छप गए रसूख से, इस दिमागी ऊर्जा से रोशनी तो हो गई, इस दिमागी
इस दिमागी ऊर्जा से रोशनी तो हो गई, किंतु अपनी जेब की शानो शौकत खो गई, किंतु अपनी जेब की हम की चकित ही रहे और भ्रमित ही रहे। यार हम मुड़े तुड़े, यार हम मुड़े तुड़े देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। गीत रच खूब से धनवान नवीसों का नसीब तो अच्छा पटा, धनवान नवीसों का नसीब तो अच्छा पटा, लाचार बेवसों का दिन नहीं उंगा सका, लाचार बेवसों का दिन नहीं उंगा सका। और हम बेजार से खुद हुए लाचार से, यार हम डरे डरे देखते ही रह गए, कारवां गुजर गया। यार हम डरे डरे वक्त की बदहवासी का गुनाह हम गुनाह हमसे हो गया, वक्त की बदहवासी की गुनाह हमसे हो गया। उसने गुल खिलाया क्या होश अपना खो गया, उसने गुल खिलाया क्या, उसने गुल खिलाया क्या होश अपना खो गया। दूर से निहारते और जोर से पुकारते, यार हम कटे बटे देखते ही रह गए। गम नहीं कि ना अपनी चार दिली ना बह सकी, गम नहीं कि ना वह अपनी चार दिन भी ना बह सकी, जो मन की वो कहना चाहती थी ना कह सकी, जो मन की वो कहना चाहती थी ना कह सकी। और हम कम गीन से बेसूरी एक बीन से, और हम कम गीन से बेसुरी एक बीन से, यार बिन बने ठने, यार बिन बने ठने देखते ही रह गए। गीत रचे खूब से मुसारी दाल ले गए, और हम पड़े पड़े खाट पर डरे डरे सामने खुले हुए किवाड़ के और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम शहीदों के साथ में उस अमर गीतकार को भी याद कर रहे हैं जिसका नाम नीरज कुमार है। ये बहुत बड़ा काम कर दिया फिल्म में, उनकी इतने सुंदर सुंदर गीत आए हैं, जब आप उनका कलेक्शन देखें, आप उनको जब सुने तो कितनी गहराई है उन गीतों को, गीतों में वो बिल्कुल महसूस करके ही पता लगता है। प्राउड होता है हम लोगों को, हमको बहुत बहुत प्राउड होता है कि हम भी उस शहर के हैं जहाँ नीरज जी रहा करते। हम अमेरिका जब गए तो बहुत नीरज जी की बात हुई, तो हमने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सीना चौड़ा करके कहा कि हाँ हम भी उसी शहर के हैं जहाँ नीरज जी रहा करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये बात। तो आज इस बहुत ही सुंदर गोष्ठी जो हमारे निखिल प्रकाशन के कैफे में जो हुई, और एमएम शर्मा जी का भाव बिल्कुल खटक रहा है, और माधुरिया के सानिध्य में जो ये गोष्ठी का आयोजन हुआ उसके लिए हम निखिल प्रकाशन समूह के इशिका को और निखिल को और उनकी मम्मी को सभी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं। और अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि गति ही जीवन है और जीवन बहुत छोटा है, तो मैं कहना चाहती हूँ
कि गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। अरे जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो तुम, इन सांसों का तो पल भर भी विश्वास नहीं है, इन सांसों का तो पल भर भी विश्वास नहीं है। और ये गोष्ठी को मैं समाप्त तो नहीं करना चाहूंगी कि लगता है ये माहौल बना रहा है, लेकिन अगले समय के लिए फिर मुलतवी करती हूँ इस गोष्ठी को। आप सभी का एक सामूहिक फोटोग्राफ के लिए आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी लोग आइएगा एक पहली बार इस तरह की किसी आयोजन में मैं शामिल हुआ हूँ, वो भी अपनी बेटी समायरा की वजह से। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोगों की संगत खतरनाक है। अगर हमने आदत ना पड़ जाए आप लोगों के साथ तो मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। यही सोच रहा था मैं अपने काम से और अपनी चीज से कहीं मेरा दिमाग हट के कहीं इस तरफ ना आ जाए और मैं भी कहीं आपको फॉलो करने ना निकल पड़ू। आपको बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाना पड़ेगा बेटी। तो मैं अभी आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बैठना। यही सुनना चाहिए, आगे भी यही सुनना। मैं कोशिश करता रहूंगा आप लोगों को फॉलो करने की। कितने बड़े तारतम्य से, बड़े शांत होकर, बड़े इंटरेस्ट से आप सुनते रहे, उस बात के लिए जोरदार। आज की जो गोष्ठी थी वो एक विशेष संदर्भ में थी, तो हम उससे हट नहीं सकते। अदरवाइज यहाँ जो लोग हैं उनके पास वो भंडार को समझ रहा था, अभी तो मैंने कहा आप लोगों की संगत खतरनाक जी। आप बोलिएगा। मैं भी बहुत बहुत सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा नहीं था एक क्विज क्लब होता है मैडम, जिसमें आज तक समायरा सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो वो हमेशा ये कहती रही कि मैं मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं बेटा, कीप राइटिंग, यू विल रीच वेयर यू डिजर्व टू बी। तो आज आप लोगों के साथ उसने यहाँ परफॉर्म कराया, तो इससे बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इतना इंक्रीज हुआ है। और अभी हम काफी जल्दी एक बुक लॉन्च कर रहे हैं यहीं से निखिल पब्लिकेशन से, जिसमें इसके 50 पोएम्स चार साल की उम्र से लिख रही है और इसकी खुद की पूरी लाइब्रेरी है। तो ऐसा कोई ऑथर नहीं है जिसकी इसने बुक नहीं पढ़ी, और आजकल ये शेक्सपियरियन लिटरेचर की बुक्स पढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि हम कभी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई में लगे रहे। ये वो चीज है जिससे एक इंसान की तरह आप डेवलप होते हैं, जो आजकल के टाइम में शायद सबसे जरूरी है। तो देश भी लोगों से बनता है, और मैं हर एक से ये कहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लेवल पे अपना काम ईमानदारी से करेगा तो अपने आप देश आगे बढ़ जाएगा। हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आइए सर, कुछ भी कुछ नहीं। अरे इनका आशीर्वाद तो कैसा लगा, क्या लगा? बहुत सुंदर कार्यक्रम। मैं श्रोताओं की श्रेणी में आता हूं और मेरा होना भी आवश्यक है कि अगर और कविताएं बहुत पहले बचपन में हमने लिखी थी, लेकिन मैंने एक क्षेत्र छोड़ दिया। उसका रीजन यह था कि एक म्यान में दो तलवार नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि कोई भी शोहरत अगर बांट ली जाए तो ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकती। तो इसलिए मेरा क्षेत्र अलग है और उनका क्षेत्र अलग है। बहुत सुंदर कार्यक्रम और मैं जी 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 तो धन्यवाद देते हुए थैंक्स।
सबका चल ही रहा है तो बहुत जरूरी है। आप आइए ना, आप मैं आपको सभा में सभी लोगों को मेरा सादर नमन। और मैं आपकी तरह इतना नहीं बोल पाती, बट ये है कि मुझे आज बहुत बेहद खुशी हुई कि हमारे यहाँ इतना बढ़िया आयोजन। धन्यवाद। आपकी मुस्कुराहट यही तो सुनना चाहते थे, यही सुनना चाहते थे। आइए आप आइए, एक्सपर्ट हैं। आप सभी को मेरा सादर नमन। आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी यहाँ एकत्र हुए और इतना अच्छा आयोजन हुआ हमारे यहाँ। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आप आते रहिए, कार्यक्रम होते रहेंगे। इनके पापा ही लाल चौक पे नजर आ रहे बोलो जो बोलना है तो बस यही धन्यवाद। अभी इसका नंबर आएगा आप सभी का धन्यवाद। आप लोग आए अपना टाइम और टाइम वेस्ट किया। सबसे बड़ी चीज जो तुमने यहाँ दिया है, सब लोगों को अटेंड किया है इतना तरीके से, इसको बहुत इसी को भी बहुत अच्छा। चलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। एक सामूहिक फोटो ले। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। पहले यह था अच्छे से।